स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में। अब आप सिंपल गैस लॉज को पढ़ चुके हो, कंबाइंड गैस लॉ को डिराइव कर चुके हो, अब देखते हैं कुछ और लॉज के बारे में, ठीक है, जो हमें गैसेस को अंडरस्टैंड करने में और हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एंड यस, इट वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1801। डाल्टन ने बहुत काम किया हुआ केमिस्ट्री के अंदर। सो व्हेन ही स्टडीड पार्शियल प्रेशर्स ऑफ वेरियस गैसेस, आइडिया कहां से आया होगा? एटमॉस्फेयर के अंदर से। एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग गैसेस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, ठीक है, ये सारे के सारे पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, और पूरा एटमॉस्फेयर एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट करता है। मतलब सारे कंपोनेंट्स उसमें होते हुए भी प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो उसने क्या किया, जिस तरह अब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एयर के अंदर हैं, तो क्या ऐसा होता है कभी धूप में भी बारिश लग जाए? नहीं होता। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कभी पानी नहीं बनाती है। जो एयर के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कभी भी ऐसे मिलके वाटर नहीं बनाएंगी। वाटर बनाने के लिए आपको पता है स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, ऐसे ही नहीं बन जाएगा। लेबोरेटरी कंडीशंस डिफरेंट हैं, तो इट मींस दे आर नॉन रिएक्टिंग। रूम टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करो, कुछ नहीं होगा। तो इसके अलावा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी तो आपस में इजिली रिएक्ट नहीं करती। अदरवाइज क्या होता, एयर के अंदर आपको कभी भी नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% नहीं मिलती। ये कॉम्पोजिशन कांस्टेंट है, एंड दिस इज द बेस फॉर डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर्स लॉ, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या किया, व्हाट ही डिड, एक कंटेनर लिया, ठीक है, और कंटेनर का वॉल्यूम सेम, इसका वॉल्यूम है लेट इट बी 50 सेंटीमीटर क्यूब। सेम ऐसा ही एक और कंटेनर, उसका वॉल्यूम भी 50 सेंटीमीटर क्यूब, या आप ये समझे कि एक ही कंटेनर है, उसी के अंदर की ये सिचुएशन है, ठीक है। तो यहां इसका वॉल्यूम भी क्या है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर उसने ले ली गैस ए, इसके अंदर उसने ले ली गैस बी, ठीक है। मैं एक थर्ड गैस भी ले लेती हूं, लेट इट बी थर्ड गैस। ठीक है, दिस इज गैस सी, ठीक है, और वॉल्यूम इसका भी कितना है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज सेम, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब देखो गैस ए, इसका कोई ना कोई प्रेशर आएगा, गैस बी, इसका भी कोई ना कोई प्रेशर आएगा पी बी, और इसका भी कोई ना कोई प्रेशर होगा सी, ठीक है। तो मैं गैस ए को रिप्रेजेंट कर दिया डॉट के साथ, गैस बी को मैंने स्टार्स बना दिए, और गैस सी को मैं इसे ट्राइंगल्स बना देती हूं, ओके। अब देखो इसका प्रेशर इतना है, ये रहा ए का प्रेशर, ये रहा इतना बी का प्रेशर, तो दिस इज पी ए, ये प्रेशर है पी बी, और ऐसे ही ये रहा सी का प्रेशर, यही तक आएगा ना, प्रेशर ऑफ सी। तो यहां पे तीनों का अपना अपना प्रेशर था, पी ए, पी बी एंड पी सी, ओके। अब नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर हमने क्या किया, इन तीनों को सेम वॉल्यूम के एक कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। तो चाहे आप इनको इसमें शिफ्ट करें, इसको इसमें शिफ्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, यहां बनाते हैं सेम वॉल्यूम, ठीक।
अब हुआ क्या, एड ए प्लस बी प्लस सी टू सेम वॉल्यूम, तीनों गैसेस इसमें डाल दी, वॉल्यूम सेम। अब देखो इसी के अंदर ये आ गई डॉट्स, इसी के अंदर आ गया स्टार और इसी के अंदर आ गई ट्राइंगल, लेकिन ये आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, पता है ना इस चीज का, आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं। इसका मतलब आप देखो प्रेशर, ये तीन स्टेप्स आए यहां पे प्रेशर के, एक दो और तीन, तो यहां पे जो प्रेशर है वो इतना होगा। अब तीनों का प्रेशर होगा ना, तो ये रहा अब प्रेशर। नाउ दिस इज पी टोटल, और ये किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। मतलब अगर इसकी वैल्यू आपके पास आई है 20 mm, इसकी वैल्यू आई है 30 mm, इसकी वैल्यू आई है 10 mm, तो ये टोटल कितना होगा, 20 प्लस 30 प्लस 10 इक्वल टू 60। मतलब अब इसकी स्टेटमेंट देखो, इफ टू और मोर गैसेस, दो या दो से ज्यादा गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, जो आपस में केमिकली कंबाइन नहीं करती, आर एनक्लोज इन अ वेसल, उनको हमने एक वेसल में एनक्लोज कर दिया, द टोटल प्रेशर, द टोटल प्रेशर ऑफ द गैशियस मिक्सचर, अब यहां पे तीन गैसेस हैं ए बी एंड सी, गैशियस मिक्सचर इज इक्वल टू किसके बराबर आया, द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, उनके पार्शियल प्रेशर्स का सम टोटल दैट ईच गैस विल एक्सर्ट, कौन सा पार्शियल प्रेशर, जो वो सारी की सारी गैसेस एक्सर्ट करेंगी व्हेन एनक्लोज्ड सेपरेटली इन द सेम कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सेम कंटेनर के अंदर ये हमने मिक्सचर कर दिया, ओके, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ गैस सेम वॉल्यूम के अंदर अगर आप अलग अलग कंटेनर में रखते हो, उन गैसेस को सेपरेटली रखते हो, तो वो इतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, इसकी प्रेशर 20, इसकी 30, उसकी 10 ही आएगी। उन तीनों को उठा के हमने चौथे कंटेनर में डाल दिया जिसका वॉल्यूम सेम है, देन व्हाट विल हैपन, तीनों का टोटल कर लो ए बी सी, क्योंकि वो आपस में इंटरमिक्स नहीं हो रहे, गॉट इट। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉ था, दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के अंदर, ये चीज मेंशन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, दैट गैसेस they should not react chemically, they should be chemically inert, only then this is possible. अब देखिए हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है, वहां पे भी डॉल्टन्स लॉ लगता है, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करती वहां पे, जस्ट देयर इज एक्सचेंज। ऐसे हमारे आसपास नेचर में और कई फिनोमिनाज हैं, जब भी हम किसी गैस की फॉर्मेशन का डायग्राम देखते हैं, तो आप देखते हो ना दूसरी साइड एक इन्वर्टेड जार रखा होता है, उसमें पानी भरा होता है, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, तो दैट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, चलिए इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, कहां कहां हम इसको यूज करते हैं, एंड इट इज यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसी लॉ को यूज करके हम रिलेशनशिप निकालेंगे पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। ओके, तो लेट थ्री गैसेस ए बी एंड सी, लेट थ्री गैसेस, और ये आपस में क्या है, नॉन रिएक्टिंग, दिस इज द मेन कंडीशन, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ओके, तो फर्स्ट गैस का, अब आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं कि क्या रहती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, राइट। तो फर्स्ट गैस का जो आइडियल गैस इक्वेशन रहेगी, दैट विल बी पी वन वी इक्वल टू एन वन आर टी, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो पी वन किसके बराबर हो जाएगा, वी नीचे ले आए। उसी तरीके से पी टू वी इक्वल टू एन टू आर टी, तो P2 किसके बराबर आ गया, V इधर चला गया, ऐसे ही हमने P3 निकाल लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ P टोटल इसके बराबर आ गया, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, P टोटल इट विल बी इक्वल टू N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V।
आर इज गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, सब कुछ कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो यहां पे देखते हैं. अब पी टोटल इट विल बी इक्वल टू एन वन एन टू एन थ्री और आर टी अपॉन वी क्या आ गया, कॉमन. ठीक है, ओके. अब एन वन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्ड गैस किसके बराबर आएंगे, एन टोटल. मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एन टोटल. ठीक है, ओके. अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन, और ये एक नई इक्वेशन आ जाएगी. अब आई विल राइट हियर पी टोटल इक्वल टू, अब मैं इसको सीधा एन टोटल लिखूंगी और इट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय आर टी अपॉन वी. ठीक है, दिस इज एन टोटल. तो दिस इज इक्वेशन नंबर फोर. अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन फोर. ओके, डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन फोर. तो हमें क्या मिलेगा यहां पे, वी विल गेट पी वन अपॉन पी टोटल. तो पी वन के फैक्टर्स देखिए, एन वन आर टी अपॉन वी. ठीक है, और दूसरा हमारे पास पी टोटल, इट विल बी एन टोटल आर टी अपॉन वी. मैं ऐसे लिखती हूं उसको, एन वन आर टी अपॉन वी डिवाइडेड बाय एन टोटल आर टी अपॉन वी. तो इसको आप रीअरेंज कीजिए, यू विल राइट एन वन आर टी अपॉन वी, इट विल बी वी चला जाएगा ऊपर और एन टोटल आर टी नीचे, वी से वी कैंसिल, आर टी से आर टी कैंसिल. व्हाट यू विल गेट, पी वन अपॉन पी टोटल इक्वल टू एन वन अपॉन एन टोटल. अब बताओ जरा, गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एन टोटल. एन वन अपॉन एन टोटल किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. मोल फ्रैक्शन का यही फॉर्मूला है ना, कि जो पर्टिकुलर जिस कंपोनेंट का आप निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स ए. ठीक है, हम लिखेंगे पी वन अपॉन पी टोटल इक्वल टू एक्स ए, और पी वन किसके बराबर आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल. आ गया फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर. इसी तरीके से जब आपको पी टू की निकालनी है तो आप निकालेंगे पी टू के लिए डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फोर, फिर पी थ्री के लिए. ठीक है, यहां पे आपके पास जब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, यू विल गेट हियर पी टू इट विल बी इक्वल टू एक्स बी पी टोटल. सिमिलरली पी थ्री के लिए आप डिवाइड करेंगे इक्वेशन थर्ड बाय फोर एंड यू विल गेट पी थ्री इट विल बी इक्वल टू एक्स सी इंटू पी टोटल. तो इस तरीके से हमने जस्ट एक रिलेशनशिप बना लिया एंड वहां से आप अलग अलग गैसेस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं. आई होप ये मेथड समझ आ गया होगा सबको. ठीक है, तो यहां पे हमने तीन गैसेस ली, थ्री नॉन रिएक्टिंग गैसेस ए बी सी, और हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन जो है दैट इज पी वी इक्वल टू एन आर टी, वॉल्यूम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, इसलिए पी वन प्रेशर वेरी कर रहा है ना, प्रेशर को तो बात करनी है हमने, तो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी किसके बराबर होगा, एन आर टी अपॉन वी. फर्क क्या पड़ा, बस इनकी हमने कंडीशंस पुट कर दी कि गैस ए का इतना है, बी का इतना है और सी का इतना है. ठीक है, फिर पी टोटल निकाल लिया, कॉमन निकल गया आर टी अपॉन वी, और ए टोटल कर दिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया एन टोटल. आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन. ठीक है, अब बहुत डिटेल में आप कर चुके हैं इसलिए मैं बार बार नहीं बताने वाली हूं यहां पे कि मोल फ्रैक्शन क्या होती है. तो इस तरीके से हम पता करते हैं रिलेशनशिप ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन. ठीक है, अब इसकी एक और एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लैब के अंदर गैसेस की प्रेपरेशन करते हैं
तो उसको हम स्टोर करते हैं और एक बड़ा ही कॉमन सा प्रोसीजर है, दैट इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। और अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, आप पहचान जाएंगे कि क्या चीज है ये। इस तरीके से जो भी हम जिस भी गैस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसको ऐसे एक ट्रफ, ठीक है, ट्रफ के अंदर हमने पानी लिया होता है और जो भी हमारे पास जिस गैस की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं इस तरीके से आपने एक जो भी इसकी पाइप है ऐसे आ रही होती है, ठीक है, और ये रहता है गैस जार जिसमें हम गैस को कलेक्ट कर रहे होते हैं ऐसे। आया यार, अब यहां पूरे में पानी भरा होता है पहले, ठीक है, फिर ये डाउनवर्ड, ये गैस जो भी यहां पे बन रही है उसके बुलबुले बुलबुले ऊपर जाते हैं और गैस यहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड, अब जैसे जैसे गैस यहां से बन के ऊपर जाएगी, यहां से गैस इधर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, गैस ऊपर जाएगी, पानी नीचे आना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। और क्यों करते हैं इस प्रोसेस को, सो दैट हमें प्योर गैस मिले, पहले सारे का सारा पानी भरा हुआ है और धीरे धीरे वो पानी नीचे को आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां इसके ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक, और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के बाद इधर यहां पे कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो यहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरा यहां पे क्योंकि वाटर है तो यहां पे वाटर वेपर्स भी होंगे, ठीक। तो इसका मतलब यहां पे दो चीजों का प्रेशर होगा, एक प्रेशर ऑफ गैस और दूसरा प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, क्लियर, ओके। अब देखो पी टोटल, पी एटमॉस्फेरिक, ठीक, पी टोटल मींस पी एटमॉस्फेरिक किसके बराबर है, वो प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। और ये जो वाटर वेपर का प्रेशर है ना, इसको हम एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्वस टेंशन, ठीक है। तो मैं आगे डिटेल देती हूं इसकी। तो वाटर वेपर्स, ओके, अब देखिए पी एटमॉस्फेरिक हमें पता है दैट इज 760 mm, इट विल बी प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ वाटर वेपर और एक्वस टेंशन, इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम गिवन टेबल, इट इज दिस वैल्यू इज टेकन फ्रॉम टेबल। तो प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर होगा, 760 माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक। अब मैंने आपको बताया प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज एक्वस टेंशन, स्पेशल इस केस में एक्वस टेंशन, और एक्वस टेंशन का ना हर बुक के अंदर एक टेबल है, वेल नोन वैल्यू है, हम उसको डायरेक्ट यूज करते हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेशर ऑफ गैस। अब मान लो यहां पे ऑक्सीजन ही हम बना रहे हैं तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, पी एटमॉस्फेरिक माइनस एक्वस टेंशन, ठीक है। नाइट्रोजन है तो आप लिखेंगे पी नाइट्रोजन, इट विल बी पी एटमॉस्फेरिक माइनस एक्वस टेंशन। तो इस तरीके से डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को अप्लाई करके हम किसी भी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस से गिवन गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इससे पहले मैं आपको लॉ के बारे में बताऊं, हमें यह पता होना चाहिए डिफ्यूजन होता क्या है, ठीक है। देखो एक तो सिंपल सी बात, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेंसिटी रिलेशनशिप, कि उनकी डेंसिटी क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड विदाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, ओके। अब एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन जो आपने अपने घरों में देखी है, आप घर में या मंदिर में जहां पे भी आप लोग पूजा पाठ करते हो, आप छोटा सा ऐसे धूप लेते हो, ठीक है, उसको जलाते हो या अगरबत्ती को जलाते हो और आपने कमरे में एक जगह पे लगा दी, ठीक है, ये आपने अगरबत्ती एक जगह लगा दी, ठीक है, एक जगह पे अगरबत्ती लग गई।
धीरे धीरे पूरे कमरे के अंदर, पूरे घर के अंदर उसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। हुआ क्या, कमरे में एयर है और ये जो फ्रेग्रेंस के पार्टिकल हैं उस एयर के साथ पूरे घर के अंदर फैल जाते हैं। यहां पे अगरबत्ती के फ्रेग्रेंस वाले पार्टिकल्स ज्यादा हैं, धीरे 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 वो पूरे घर में फैलते जाएंगे। मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे इधर ज्यादा थे ना, आगे बढ़ते बढ़ते वो ऐसे फैलते जाएंगे। मतलब मूवमेंट हो रही है इनकी, कहां से, इनके एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन कहां से कहां को, टू द एरिया ऑफ लो कंसेंट्रेशन। उधर तो नहीं थी ना अगरबत्ती की खुशबू पहले, तो धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह पे जानी शुरू कर देती है। किसी ने परफ्यूम लगाया हो, डियो लगाया हो, उसके पास तो ज्यादा फ्रेग्रेंस रहती है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा उनसे दूर हैं, खुशबू आती है, ट्रेवल करके आप तक आती है, डिफ्यूजन। वो फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन उसने अपनी स्किन पे लगाया है या क्लोथ्स पे लगाया है, दैट इज द एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन। वहां से वो एयर के थ्रू ट्रेवल करके उस एरिया को जा रहा है जहां उसकी कंसेंट्रेशन है ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। अब ये डिफ्यूजन जो है जरूरी नहीं है कि गैसेस में ही होता है, ये डिफ्यूजन जो है लिक्विड्स में भी होता है, ठीक है। आप एक गिलास पानी लीजिए, पानी के अंदर जस्ट वन ड्रॉप आपने डेटॉल की डालनी है, एंड यू विल सी हाउ दिस ड्रॉप विल स्प्रेड इन द होल ग्लास। आप उसको चम्मच से स्टिरिंग भी नहीं करेंगे, फिर भी वो पूरे के पूरे ग्लास के अंदर फैल जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स, ओके। सॉलिड्स में भी होती है। अब एक और गिलास लीजिए, ये तो आप करके देख सकते हैं जो चीजें मैं बता रही हूं। उस गिलास में आपने चीनी डाली और पानी डाल दिया, पानी डाला उसके बाद में चीनी डाल दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहां से चीनी आपने गिरा दी, लेकिन अब आपने चीनी को घोलना नहीं है, रख दो, रात को चीनी डाली और सो जाओ, सुबह उठ के देखना चीनी गायब, कहां चली गई। ये चीनी धीरे धीरे घुलकर पूरे पानी के अंदर फैल गई, क्यों, क्योंकि इस एरिया में चीनी की कंसेंट्रेशन हाई थी और इधर तो चीनी थी ही नहीं। अगेन देयर इज मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसेंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब मैंने एक वर्ड यूज किया सॉल्यूट। कोई भी सॉल्यूशन बनता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो कम क्वांटिटी में उसे बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। इसके नाम पे शब्द भी कम है ना, वर्ड्स भी कम है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, नाम बड़ा तो इसके बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए, सॉल्यूट, नाम छोटा तो लेसर क्वांटिटी। ये पूरे गिलास का जो पानी था, वॉटर वॉज सॉल्वेंट, और ये जो डेटॉल की ड्रॉप थी, इट वॉज सॉल्यूट। इसके अंदर ये जो चीनी है, दिस इज सॉल्यूट, लेसर क्वांटिटी में है, और वो पानी ज्यादा क्वांटिटी में है, दैट इज सॉल्वेंट। ऐसे ही एयर के अंदर जब आप अगरबत्ती लगा रहे हो, धूप लगा रहे हो, या हम फ्रेग्रेंस की बात कर रहे हैं, डीओ की बात कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस, वो पर्टिकुलर चीज जो आप खुशबू के लिए यूज कर रहे हो, दैट इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है, एयर, एयर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। इससे भी जो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखी होगी, एलपीजी लीक करती है तो पूरे इलाके को पता चल जाता है कि एलपीजी लीक कर रही है, गैस लीक कर रही है, ठीक है। अब जो लोग वीडियो देखेंगे वो मुझे इसका आंसर लिख के भेजेंगे, एलपीजी के अंदर वो कौन सा कंपाउंड डाला जाता है जिसकी वजह से वो स्मेल आती है, क्योंकि जो प्योर एलपीजी है, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, इनकी स्मेल नहीं होती, दीज आर ऑडरलेस गैसेस। तो आपने मुझे कंपाउंड का नाम भेजना है, नहीं पता चलेगा तो मुझे मैसेज करना है, आई विल टेल, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई कि डिफ्यूजन क्या है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब हम डिफ्यूजन को एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, दैट इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन to the area of low concentration, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस,
स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो जाए, ठीक है। एक और आप लोगों के लिए नया वर्ड, स्पॉन्टेनियस मींस जो अपने आप हो जाए। पानी में चीनी डाली, नमक डाला, आप चम्मच से नहीं भी हिलाएंगे, वो टेंडेंसी रखता है डिफ्यूजन के थ्रू खुद ही हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगी। अगरबत्ती लगाते हो, क्या वहां बैठ के फूके मारते हो कि पूरे घर में फैल जाए खुशबू? नहीं, अपने आप वो स्प्रेड हो जाती है। तो दे आर हैविंग नेचुरल टेंडेंसी फॉर अकरेंस, मींस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में भी। तो ये थी डिफ्यूजन, ठीक है। अब हम गैसेस की बात कर रहे हैं। गैसेस के अंदर मैंने आपको फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स की बात बताई, अब थोड़ा केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक गैस जार है, मैंने इसको पहला ही उल्टा लटका दिया, इसको इन्वर्टेड कर दिया, ठीक है। और यहां पे मैंने एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन भी रखी है, एक गत्ता लगा दिया या व्हाटएवर कुछ भी लगा दिया। और इसके साथ एक और गैस जार है इस गत्ते के, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू दिस पार्टीशन, ठीक है। ये वाला गैस जार सीधा है भाई, ये वाला थोड़ा ऐसे उल्टा करके रखा, ठीक है। इसके अंदर मैंने भर दी आयोडीन गैस, और आपको पता है आयोडीन गैस का कलर क्या होता है? यस, दैट इज वॉयलेट, ठीक है। कोशिश करूंगी, मुझे पिक मिली तो मैं अटैच करूंगी इसके साथ। दिस इज वॉयलेट इन कलर, बैंगन के कलर की होती है। और इसके अंदर हमने भर दी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस, दिस इज कलरलेस, दिस इज वॉयलेट कलर, ठीक है। तो जब तक ये बाउंड्री बीच में है ना, आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा, ये व्हाइट और ये कलर, ओके। अब क्या किया, रिमूविंग द स्लिट, रिमूव्ड द पार्टीशन। अब हमने पार्टीशन हटा दी, वेल अब ये दोनों के दोनों गैस जार आपस में ऐसे कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्ट हो गए, ठीक, बाउंड्री हट गई ना। अब दोनों एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इधर वाली गैस इधर जाने की कोशिश करेगी, ऊपर वाली गैस नीचे आने की कोशिश करेगी। तो मतलब कहने का कि धीरे धीरे जैसे पार्टीशन हटी, मेरे को तीन स्टेजेस बनानी पड़ेंगी इसकी। तो इसको मैं ऐसे चेक्स में बना रही हूं, और ये हमारे पास ब्लैंक है। तो इधर से गैस पार्टिकल इधर आना शुरू करेंगे, इधर वाले इधर आना शुरू करेंगे, करते करते तीसरी स्टेज जब हमारे पास आएगी, ठीक है, बियर मी विद माय डायग्राम्स। अब पूरी की पूरी कंटेनर के अंदर दोनों गैस जार जो हैं वो आपको ऐसे दिखाई देंगे, लाइंस दिखाई नहीं देगी। ये मैं कलर की इंटेंसिटी को ऐसे मार्क कर रही हूं कि जब मैंने ऐसे चेक्स बनाए हैं, इट मींस दिस इज वॉयलेट कलर, ऊपर कलरलेस। लेकिन अब क्या हो गया, जब देखो वॉयलेट के अंदर व्हाइट कलर मिक्स करो क्या हो जाएगा, जब सारे के सारे पार्टिकल्स इकट्ठे इकट्ठे हैं तो दैट इज डार्क। जो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो डार्कनेस कम हो जाएगी। तो पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर फेडेड या लाइट वॉयलेट कलर हो गया, नाउ इट इज लाइट वॉयलेट दोनों में। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन। आयोडीन ऊपर को जाना शुरू हो गई, हाइड्रोजन नीचे को आना शुरू हो गई, जबकि हाइड्रोजन इज लाइटर, आयोडीन इज हैवियर। आयोडीन हैवी गैस है, हाइड्रोजन लाइटर है, लेकिन वो ऊपर से नीचे आ रही है। डेफिनेशन में लिखा था इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेंसिटी रिलेशनशिप, डेंसिटी का फर्क ही नहीं पड़ता, वो मिक्स होंगे ही होंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाई गैसेस डिफ्यूज टू मिक्स, क्योंकि गैसेस के अंदर देयर आर एम्प्टी स्पेसेस, आपको पता है बहुत खाली जगह होती है, देयर आर एम्प्टी स्पेसेस अमंग गैसेस। तो गैस के मॉलिक्यूल्स उन एम्प्टी स्पेसेस को कवर करने के लिए, उनको फिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इसलिए गैसेस डिफ्यूज करती हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज ग्रहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन।
ओके नो सी द स्टेटमेंट ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन दैट अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर डेंसिटीज. जब भी मिक्सिंग होगी दो गैसेस तो चाहिए ना. ओके तो लेट टू गैसेस ए एंड बी, ठीक है, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इज इक्वल टू आर वन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इक्वल टू आर टी. ठीक है, तो आर वन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला उसने, स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर डेंसिटी. तो आर वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अंडर रूट डी वन. दिस इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. ठीक है, इसी तरीके से एंड आर टू इट विल बी वन अपॉन डी टू. दोनों ही अपनी अपनी डेंसिटी के इनवर्सली रिलेटेड हैं. ठीक है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ, डेंसिटीज दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी. इस डेफिनेशन के बाद आप इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, दैट इज मैथमेटिकली इट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन वन अपॉन डेंसिटी. अब इसको इलस्ट्रेट करते हैं. लेट टू गैसेस ए एंड बी, एक का रेट आर वन दूसरे का रेट आर टू आ गया. दोनों की रेशियो आर वन अपॉन आर टू, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कैंसल हो जाएंगे. नाउ इट विल, अब मैं अंडर रूट कॉमन रख लेती हूं. ओके, ऊपर कौन आएगा, डी टू, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे इससे तो डी टू ऊपर आ जाएगा, डी टू अपॉन डी वन. दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. न्यूमेरिकल्स के लिए ये हमारा पहला रिलेशनशिप. दोनों का रेट दिया है, एक की डेंसिटी दी है, दूसरे की निकाल लीजिए. डेंसिटीज दी है तो रेट पूछा होगा. तो ये था हमारा पहला फॉर्मूला. ओके, अब देखिए ऑल्सो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता था भाई, टू इंटू वेपर डेंसिटी. तो दिस इज डेंसिटी, इसका मतलब डेंसिटी किसके बराबर है, वेपर डेंसिटी, इट विल बी इक्वल टू मोलर मास अपॉन टू. समझ गए बात. ओके, दस डी वन इट विल बी इक्वल टू एम वन अपॉन टू एंड डी टू, चलो मैं नीचे लिखती हूं शायद उसकी जरूरत पड़े आगे. डी टू किसके बराबर होगा, एम टू अपॉन टू. इनकी वैल्यूज को यहां पुट करें, वी विल गेट आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू अंडर रूट डी टू की जगह पे हमने लिख दिया एम टू बाय टू, डी वन पे लिख दिया एम वन बाय टू. टू से टू कैंसल, तो ये हमारे पास आ गया आर टू आर वन अपॉन आर टू इट विल बी इक्वल टू एम टू अपॉन एम वन. दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला. अगर आपको डेंसिटी नहीं दी है, आपको मॉलिक्यूलर मासेस दिए हैं, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा दोनों के रेट दे आर अंडर रूट एम टू अपॉन एम वन. इनवर्स में है ना, इसलिए आर वन अपॉन आर टू इट विल बी इक्वल टू एम टू अपॉन एम वन. गॉट इट. तो ये आपके पास दो रिलेशन आ गए, दोनों को इकट्ठा भी आप लिख सकते हो, और आर वन अपॉन आर टू इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट डी टू अपॉन डी वन इक्वल टू अंडर रूट एम टू अपॉन एम वन. आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, ओके. अब देखिए इस फॉर्मूले को हम और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं. कैसे, ये समझ में आ गया ना सबको, तो मैं इसको हटा रही हूं यहां से. ठीक है, डेफिनेशन भी क्लियर है सबको, तो लेट मी रिमूव इट टू, क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल भी करने वाली हूं इसके. अब देखो रेट किसके बराबर होता है, वी नो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड इन टाइम टेकन, है ना, यही होगा. मतलब सिंपल में अगर बात करूं
तो रेट विल बी इक्वल टू, या मैं सिंपल आर लिख लेती हूं, दस आर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है, दैट इज आर वन विल बी इक्वल टू वी वन अपॉन टी वन एंड आर टू इट विल बी इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू. हम वॉल्यूम के साथ भी निकाल सकते हैं. ओके, दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए. आर वन अपॉन आर टू इट विल बी इक्वल टू वी वन अपॉन टी वन वी टू अपॉन टी टू. आर वन की जगह पे आर वन की वैल्यू रखी, आर टू की जगह पे वी टू की वैल्यू रखी. इसको जरा करें, ये आ गया वी वन अपॉन टी वन इन टू टी टू अपॉन वी टू, किसके बराबर, आर वन अपॉन आर टू. ये लीजिए एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया. अब आपको क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर गैस का इतना वॉल्यूम इतने टाइम में डिफ्यूज करता है तो दूसरे का इतना वॉल्यूम कितने टाइम में डिफ्यूज करेगा. ठीक है, आगे हम देखते हैं न्यूमेरिकल किस तरीके से आएगा. समटाइम्स आपको वॉल्यूम सेम दे दिया जाएगा, टाइम अलग अलग दिए होंगे, समटाइम टाइम सेम दे दिया जाएगा, वॉल्यूम इस तरीके से दिए गए होंगे. ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर ये किसके बराबर है, आर वन अपॉन आर टू इट इज इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट डी टू अपॉन डी वन. ये रिलेशनशिप तो है ही है. ठीक है, और आर वन अपॉन आर टू, ठीक है, अब आप इसको आर वन आर टू को ना भी लें तो आप अकेले वी वन को भी ले सकते हैं. ठीक है, दस वी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू अपॉन वी टू किसके बराबर होगा, अंडर रूट डी टू अपॉन डी वन किसके बराबर, एम टू अपॉन एम वन. तो ये सारे के सारे फॉर्मूलास मैंने इकट्ठे करके आपको दे दिए. जो रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर रेट और मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन है तो सिर्फ इसको लगाइए, अगर वॉल्यूम्स कंसिडर कर रहे हैं तो इस तरीके से लगाइए, वॉल्यूम टाइम के साथ डेंसिटी, वॉल्यूम और टाइम के साथ मॉलिक्यूलर मास, जो भी आपको दिया गया हो आप एक ही फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ कर देखो कितनी तरह से यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं फिर आपको और क्लैरिटी होगी. हाँ जी, वेल हैव अ लुक ऑन दिस न्यूमेरिकल्स. ये मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं. तो पहले हम फोर्थ वाला देखें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस एक्स. तो देखो सिंपल सी बात, एक तरफ लिख लो एक्स, एक तरफ लिख लो वाई, इज अंडर रूट टू टाइम्स दैट ऑफ वाई. रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स अगर वाई, इसको मैंने आर टू लिया है, दिस इज आर वन एक्स एंड वाई. ठीक है, तो वाई का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लेट इट बी एक्स, यस लेट इट बी ए, एक्स वाई क्योंकि गैसेस हैं, लेट इट बी ए. तो ये कितना होगा, अंडर रूट टू ए, क्योंकि इट इज अंडर रूट टू टाइम्स देन दैट ऑफ रेट ऑफ वाई. इफ मोलर मास ऑफ एक्स एम वन इट इज 16, तो आपको एम टू निकालना है. बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है. तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ग्रहम्स लॉ, आर वन अपॉन आर टू इट विल बी इक्वल टू एम टू अपॉन एम वन. ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, आर वन इज अंडर रूट टू ए एंड आर टू इज ए, इट विल बी इक्वल टू एम टू अपॉन एम वन. एम टू हमें निकालना है और m1 is given 16. ठीक है, तो a से a कैंसल, वी आर हैविंग अंडर रूट टू, m2 निकालना है. ठीक है, अंडर रूट टू इक्वल टू अंडर रूट m2 अपॉन 16. अंडर रूट के साथ अंडर रूट कैंसल, तो 2 इंटू 16 इट विल बी m2, m2 विल बी 32 ग्राम्स. है ना सिंपल न्यूमेरिकल्स. तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही हैं, इजी इजी से. ठीक, जस्ट वैल्यूज निकालिए और पुट कर दीजिए. ठीक है, तो ये था फोर्थ वाला न्यूमेरिकल. ओके, अब मैं जगह बना लेती हूं. नेक्स्ट देखिए, इट सेज 80 ml ऑफ अमोनिया गैस डिफ्यूज आउट ऑफ कंटेनर, और दूसरी गैस इसमें दी है सर्टेन गैस. ओके,
तो एक तरफ है अमोनिया और एक तरफ ले ली हमने गैस एक्स, ठीक है। अमोनिया का वॉल्यूम V1 80 ml, डिफ्यूज आउट फ्रॉम अ कंटेनर इन 8 मिनट्स, T1 इज 8 मिनट्स, ओके। और आपको पता है अमोनिया का मोलर मास नाइट्रोजन 14 + 3 = 17 ग्राम्स। वेल, अब एक्स की बात करें, हाउ लॉन्ग विल 40 ml ऑफ सर्टन गैस, तो V2 आपको दिया है 40 ml विद मोलर मास M2 इज 68 ग्राम। हाउ लॉन्ग मीन्स आपसे टाइम पूछा है, यू हैव टू फाइंड द टाइम कि अमोनिया जो है 80 ml 8 मिनट में क्रॉस कर जाती है, तो किसी दूसरी गैस का 40 ml जिसका मोलर मास है 68 कितना टाइम लेगा। फॉर्मूला V1 upon T1 into V2 upon T2, इट विल बी इक्वल टू M2 upon M1, ठीक है। V1 कितना है 80, T1 कितना है 8, V2 कितना है 40 और T2 हमें निकालना है। मोलर मास M2 इज 68 और M1 इज 70, ठीक है। तो देखिए कुछ कटता है यहां पे, ये 10 से कट गया और 17 फोर सा, तो ये हमारे पास आया 10 × 40 = 400, 10 × 40 = 400 अपॉन T2, इट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो T2 किसके बराबर होगा, 400 upon 4, T2 विल बी 100। अकॉर्डिंग टू ग्रेहम्स लॉ, क्या फॉर्मूला था, V1 upon T1, ठीक है। V1 upon T1 जब आपने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई दैट वॉज T2 upon V2, यही आया था, एंड इट इज इक्वल टू M2 upon M1, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, V1 इज 80, T1 इज 8, T2 हमें निकालना है और V2 इट इज 40, ठीक है। M2 ऊपर है, M2 इज 68 डिवाइडेड बाय 70, ठीक है, ओके। 40 × 80, 2 × 4 = 8, T2 upon 4 इक्वल टू 17 × 4 = ये आया √4, √4 मतलब 2, तो T2 किसके बराबर हुआ, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम कितना लगा 8 मिनट्स, सेम टाइम आया। मेथड समझ में लग रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, जो गिवन है एक एंटिटी अननोन होगी और पता चल जाता है कि V1 T1 वाला फॉर्मूला लगेगा या सिंपल रेट वाला लगेगा। डन, ओके। अब देखते हैं सेकेंड वाला, इसके अंदर वो बोल रहा है एन अननोन गैस, कोई अननोन गैस है विच डिफ्यूजेस 4 times fast as oxygen, ऑक्सीजन से 4 times faster मूव करती है, ठीक है। तो बताओ भाई उसका मोलर मास क्या है और उस गैस का नाम क्या है, ओके। अननोन गैस, लेट इट बी ए, दूसरी साइड कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, अननोन गैस। अब ऑक्सीजन इसका रेट, इसको मैंने 2 लिया है ना, तो R2 लेट इट बी X, तो R1 कितना है 4X, यही बोला ना उसने कि अननोन गैस का रेट जो है वो ऑक्सीजन से 4 गुना ज्यादा है, समझ रहे हो बात को, इट इज 4 times more than oxygen, ओके। अब देखो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32 ग्राम्स, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम, और मुझे इसका मोलर मास निकालना है ना, सिंपल। देखो आप इसको इधर इसको उधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाले R1 M1 हो जाएंगे, R2 M2 हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेहम्स लॉ, अब आपके पास आया R1 upon R2, इट विल बी इक्वल टू
एम टू अपॉन एम वन. तो आर वन कितना है 4x, आर टू कितना है x इक्वल टू एम टू इज 32 और एम वन आपको निकालना है. x के साथ x कैंसिल. ओके नाउ वी आर लेफ्ट विद, आगे ले लेती हूं मैं, 4 इक्वल टू अंडर रूट एम टू, सॉरी 32 अपॉन एम टू. 4 इक्वल टू अंडर रूट 32 अपॉन एम टू. ठीक है, अब अंडर रूट हटाने का तरीका क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि 32 का तो रूट नहीं निकालोगे आप, तो यू विल गेट 4 स्क्वायर 32 अपॉन एम टू स्क्वायर कैंसिल. दिस इज 4 फोर 16 इक्वल टू 32 अपॉन एम टू. एम टू इधर आ गया, एम वन, एम वन फॉर्मूला इज 30 एम टू अपॉन एम वन. एम टू की वैल्यू पुट करती नीचे एम वन, वही तो निकालना है हमने. एम वन इधर आ गया तो इट विल बी 32 अपॉन 16. कितना आया भाई, 2 ग्राम मोलर मास आ गया, 2 ग्राम. 2 ग्राम कौन सी गैस है भाई, यस हाइड्रोजन गैस. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं. ये सिचुएशन आती है जब आपको स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स करके निकालना पड़ता है. हो गया, ओके. अब देखिए 200 ऑफ SO2, ये न्यूमेरिकल्स वीडियो से ही नोट करने हैं आप लोगों ने, इसके नोट्स नहीं आएंगे. 200 ml of SO2 diffuse out a porous plug in 600 seconds. ओके, तो मैं पहले SO2 की बात कर लेती हूं. दूसरी गैस है मीथेन. SO2 का वॉल्यूम V1 इट इज 200 ml और इसका टाइम लगा 600 seconds. इसका उसने पूछा व्हाट वॉल्यूम, हमें नहीं पता वॉल्यूम कितना लगेगा सेम टाइम. तो T2 भी कितना है 600 सेकेंड. ठीक, दोनों कैंसिल ही होने हैं अल्टीमेटली, तो आप ऐसे लिख लीजिए बराबर. ओके, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेहम्स लॉ हमें पता है V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन V2 इट विल बी इक्वल टू M2 अपॉन M1. ठीक है, ओके. अब V1 इज 200 ml, T1 इज 600 और दूसरी साइड हमें टाइम दिया है उसने 600 और V2 निकालना है. इधर M2 इज मीथेन, तो मीथेन का 12 प्लस 4 16 ग्राम्स और SO2 का मोलर मास सल्फर 32 प्लस 32 64 ग्राम्स. ठीक है, तो M2 इज 16 एंड M1 इज 64. वैल्यूज पुट, 600 से 600 कैंसिल. आप यहां पे इनकी वैल्यूज ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू टी, दोनों सेम, लेकिन वैल्यूज गिवन है तो पुट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम. अब आपके पास यहां पे आया 200 अपॉन V2 इक्वल टू 16 फोर्स, दिस इज 1 अपॉन 4. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इधर 200 अपॉन V2 हमें निकालना है. ठीक है, ये आ सकता है बाहर, यस 1/2 इंटू 1/2. तो आप इसको लिख सकते हैं 200 अपॉन V2 1/2 इंटू 1/2, तो ये जोड़ी बन के बाहर आ गई 1/2 200 अपॉन V2 उधर ले जाओ 200 अपॉन 2 इक्वल टू V2, तो ये आ गया 100. तो वॉल्यूम कितना आया 100 ml. है ना सिंपल, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल, बस पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज गिवन है उसको लिखते जाइए. ठीक है, नाउ इन द लास्ट आई एम गिविंग यू ओनली वन न्यूमेरिकल टू सेंड मी बैक. ओके, तो ये रहे दो क्वेश्चंस जो आपने मुझे करके भेजने हैं. 30 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस डिफ्यूज थ्रू अ पोरस मेम्ब्रेन इन 100 सेकेंड्स, तो कितना टाइम लेगी इट फॉर 40 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफ्यूज थ्रू द सेम मेम्ब्रेन एट सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. और एक गैस है जी टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग टू इफ्यूज आउट एज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से 4 गुना ज्यादा टाइम लेती है, हाइड्रोजन से ज्यादा टाइम लेती है
उस गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, ठीक है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल मुझे नोट्स के साथ वापस भेजने हैं आप लोगों ने। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, इस लेक्चर को अच्छे से देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन सो दैट हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।